तो मसल से कपड़े जो है हमारा ईद के सिलाई हो गए हैं। अक्सा की जो है हमने न्यू शॉपिंग की है, तो जो है इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि क्या शॉपिंग है, और अपने कपड़े जो सिलाई किए हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। चूड़ियाँ हैं, गोल्ड की चूड़ियाँ ले ली अक्सा की जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी, तो फिर और अच्छी लगेगी। चप्पल भी हो रही थी जब लेके आए हैं, चप्पल भी आपने बहुत खूबसूरत ली है जी, है ना, कुल्लू वाली ली है जी, माशाल्लाह सा आपकी है। और उसके बाद जो ये है अक्सा बेटी का सूट, ईद के ले लिया है। ओ माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट ले लिया। अम्मी ने जो है कपड़े वगैरह धोए हैं अभी अभी, तो वो जो है अभी तड़ा के ऊपर डाल रही है। जोर से मारो इसको, हाँ ऐसे ऐसे जोर से मारो, हाँ ऐसे तनूर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के प्रोग्राम से हम भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है, जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिकायत है, फरमाए जो भी औलाद अल्लाह पाक उनको मैसल है अल्लाह। तो माशाल्लाह से शाम के व्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तरह ना हमारे साथ आज जो है हम बना रहे हैं कद्दू की रेसिपी। तो माशाल्लाह से सब जना कद्दू वगैरह ले आए हैं, तो अभी जो है मैं इनको चीलना स्टार्ट करती हूँ। सामान भी सारा जो है मैं ले आई, काटने वाला प्लेट वगैरह और रेडी है, और अक्सा को भी अभी नहलाया है, रेडी जो है किया है, तो अभी जो है ये भी साथ में खेल रही है। अक्सा सब्जी कटवाने की हेल्प करना है, हाँ वो आपकी हेल्प करेगी। ओ नहीं कद्दू नहीं खाता, वो बोले मेरा हिस्सा ऐसे ही दे दो। हाँ हाँ जी, कच्चे खाओगी क्या, अभी पक्के खाती है इसको जो ना, मैं छोटी छोटी और रोटी की ये वो टुकड़िया काट देती हूँ, फिर ये खाती है। अच्छा सालन में मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा सालन, और उसके बाद जो छोटी छोटी रोटी के टुकड़े देती हूँ ये खाती रहती है। ये नहीं खाओ कद्दू कच्चे, ये बना ले फिर खाना। अम्मी ने जो है कपड़े वगैरह धोए हैं अभी अभी, तो वो जो है अभी तड़ा के ऊपर डाल रही है। मशीन जो है आज लेट क्यों लगाई है, फिर लाइट नहीं थी, लाइट था ही। अच्छा है। अच्छा काम करूं वाले नहीं थे, फिर अभी लगाई है, धो लिए हैं सारे कपड़े, धोए हैं या सारे धो लिए। हाँ ऊपर से माशाल्लाह ईद भी आ गई है, कल का रोजा है माशाल्लाह, फिर जो है ईद आ जाएगी, परसों ईद है, आज चांद नजर आ जाएगा सऊदी अरब में, मतलब चांस है। हाँ जी, एक रोजा रह गया, बाकी एक रोजा रह गया, सूखे जो है वो उतार लो ना। और जो गीले हैं वो डाल दो सारे, ये सूखे हुए है। अच्छा किचन की जो है सफाई शुरू हो गई है जी, सब्जी वगैरह जो है काट लिया है अभी, मैंने सोचा पहले जो है किचन की सफाई कर लूं, तो बाद में जो है ना सामान लग जाएगा। और साद और रुकिया जो है घास काट कर आ गए हैं, आजी वाह, बस थोड़ा सा काटा है जी। हाँ और भी अंदर रखा है, अंदर रखा हुआ जी। पहले कटा रखा था जी। हाँ रुकिया पहले घास कटा रखा था क्या जी। अच्छा इसलिए थोड़ा काटा है जी। चलो सही है, साथ वो भी फिर अंदर वाला ले आओ, फिर टोका लगाएं। कहाँ हो, इधर हो, हाँ अंदर वाला ले आओ, अंदर जो कमरे में रखा हुआ है ना वो ले आओ, फिर टोका लगाएं जी। हाँ ऊपर से देखो बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है आज, उठा लो गुब्बारा अपना, हाँ ये वाला उठा लो, जोर से मारो इसको, हाँ ऐसे ऐसे जोर से मारो, हाँ ऐसे चम्मच उसे उठा लिया, उसके साथ खेल रही है लकड़ी अपना लो, लकड़ी ये इसके साथ खेलो, ये चम्मच नहीं इसके साथ खेलो, चम्मच के साथ नहीं खेलते। हाँ इसके साथ खेलो, हाँ अभी इसके साथ खेलो। तो मैं समझ के लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे जो है कद्दू हमारे वाश हो रहे हैं, कद्दू मैंने सोचा किचन के जो है सामान जो है सारा रेडी कर लिया है, पहले जो है कद्दू वाश कर लो, तो बाद में जो है बैठ के पकाते रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वाश होंगी, फिर जो है ऐसा ऐसा उठा उठा के डालते रहेंगे साथ में। धुल गए हैं जी, धुल गए। तो मसल से किचन का सामान जो है सारा रेडी हो गया है, चूल्हे में आग भी हमारी अच्छी खासी जल चुकी है, अभी जो है ना
देखिए मैं घी ऐड करते हैं और जो इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। घी को जो है ना पहले मैं काट लूँ अच्छा खासा, बाद में ऐड करूँ। छुरी के साथ काटती हूँ क्योंकि कद्दू शरीफ। हाँ जी, और इधर जो है हमारा टोका लग रहा है, अबू जान जो है अभी टोका लगा रहे, थोड़ा सा जो है लगाया है वो गाय को डाल दिया है, अम्मी जान जो है अभी देखे डाल रही है गाय को, तो थोड़ा सा बचा हुआ है ये जो है अभी लगा रहे हैं। गाय भी उधर खा रही है घास, रुकिया भी इधर प्याले धो रही है, बर्तन धो लिए हैं, अभी जा रही है धोने जी। ऊपर से टाइम देखा है आपने? टाइम देखा है थोले से। तो थोले से हैं जी। चलो जल्दी करो, फिर ऊपर टाइम होने वाला है। ऐसा नहीं, देखो सालन भी बना लिया है अभी जो है, फिर आटा वगैरह गूंदेगी। अच्छा थोड़े से बच गए तो उन में मैंने कहा ये वो जो है ना ऐसे खराब ना हो जाए। सही है सही है। छह सब जना आटा ले आए हैं विभा के, तो अभी जो है ना इसको पहले जो ना हम रमी में ऐड कर देते हैं, बाद में जो है थाल में छनाई करके फिर गूंदना स्टार्ट करेंगे। आटा डाल गया है, अभी जो है छनाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन का क्या हुआ, सालन बना लिया है जी? थोड़ी सी देर है सालन को। अच्छा हाँ, अक्सर बेटी जो रो रही थी उसको भी मैंने सुला दिया है, आप आटा लेने गए मैंने उसको नींद करवा दिया, फिर अभी जो खाना वगैरह बनाते हैं। अच्छा, उसको आज जल्दी सुला दिया, फिर रात को तंग करेगी वो? नहीं तंग करेगी वो, जो लेट तक खेलती रहती जब तक हमारे नींद का टाइम आता था वो भी सो जाती है। ये क्या अम्मी ये क्या? हाँ ये हम साय नगर उठा रही है, लेना था। हाँ। अच्छा इसलिए मैंने कहा अपना खत्म हो गया है शर्त, किसी से भरने गई थी वो, मैं अभी अभी ले आया हूँ। लेना था फसल आ रही है सर, दाने वगैरह लेने हैं ना, आखिरी आठा मन था वो पिंजवा लिया है, पिंजवा लिया है। इंशाल्लाह काटेंगे। दो मन खत्म हो गया। दो की तीन। अच्छा हाँ, दो थैले आटे का खत्म हो गया। हाँ। दो मन दाने भी खत्म हो गए, मन खर्चा है आपका खाने में महीने का, खाने वाले भी है ना जी। हाँ? हाँ। ऐसे थोड़ी खत्म होता है। काट वाला गंदों वाला काल बुलाने आया था, काटनी है गंदों। अच्छा फिर जना हमने सलाह करनी थी आपके साथ। अच्छा अगर आप दाने लेके दो तो फिर ठीक ना, तो हम काटेंगे काटेंगे इंशाल्लाह जी। हाँ कटाई करेंगे। मोल से कैसे पूरा जाती है हाँ, हम इतना ज्यादा नहीं ले सकते, कुछ काटेंगे कुछ लेंगे है ना। इस दफा हमने नहीं लिया था, कितना परेशान हुए हैं। हाँ जी चले, ऐशा जो है अभी आटा चनाई कर लिया है, और अम्मी भी आटा ले आई थी वो भी उसमें डाल दिया है, तो अभी जो है गूंदना स्टार्ट कर रही है, पहले चेक कर रही है कितने पेड़े होते हैं। जी। कितने काम ना हो जाए, मैंने कहा कितने हैं? 12 हैं पूरे। हाँ। 6 बंदे 12 रोटियां, दो दो एक बंदे की। हाँ। एक दो ऊपर बना दिया करो, किसी को ज्यादा होती है किसी को कम होती है, चलो फिर जैसे आपको अच्छा लगे। चलो सही है।
वैसे वो जब बंदा गूंथता है फिर वैसे बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। ये गंदम का है ना, ये एक दरोटे बढ़ जाती है। अच्छा। जब गूंथ के रखे ना ये जो है ना कुछ बढ़ता है आटा, जब तक जो है हमारा तंदूर जलेगा और हम जो है ना आटा लेने आएंगे जाएंगे पकाना स्टार्ट करेंगे तब पता है ना हमारे रोटे दो रोटे का आटा जरा बढ़ जाएगा। अच्छा, गूंथ के रखो बढ़ता रहता है जी। अच्छा, क्योंकि गंदम वाला है ना वो जो थैली वाला हम लेते हैं ना तो वो जो है ना वो नहीं होता। अच्छा, क्या कहते हैं बढ़ता नहीं है। अच्छा हाँ। और इधर जो है पंखा चला दिया है और अंदर जो है अक्सा बेटी को सुला दिया है, उसने चप्पल भी अपनी पहनी हुई है और वो जो है अभी नींद तो मैं उतार रही थी चप्पल, इसने कहा नहीं मैं चप्पल नहीं उतारा मैं पहन के सोऊंगी। मैंने कहा पहन के तो नहीं सोते जूता जो है ना गैस बन जाता है। फिर अभी जो है ना नींद है मैं कहती इसको उतार देता। अच्छा उतार दो फिर। हाँ जी वो सो रही है अभी, उसका जूता उतार दो फिर जब उठेगी फिर बोलेगी मेरा जूता कहाँ गया। उसका मूड होता है वो कहती है मेरा जूता जो ना कोई ले ना जाए। अभी जो है चाची जान के साथ घर जाना वहाँ पे जाएगी। आज पता है मैं उसकी चप्पल एक दूसरी ले आया हूँ और उसके बाद दो सूट भी ले आया हूँ, वो भी आप प्यारे बहन भाइयों को शेयर करना है। हाँ आटा गूंथ लो जी फिर उसके बाद शेयर करेंगे। ईद के सूट ले है ना सबिट के, पहले जो ले आए थे वो तो खैरात पे पहनाया है मैंने, ऐसे शहर गया था पहनाया था, फिर आपने कहा ये वो हो गया। क्या है कुछ ऐसे आ जा रही हो घूम फिर रही हो मेरा घर है। अच्छा आपका घर है आओ जी रुकिया सुनो ये बोलिए मेरा घर है, आप लोग इधर क्या कर रहे हो, आप निकाल दोगी हमें यहाँ से ऐसे जी। हाँ कोई गलती होगी फिर गलती जा। हाँ वो बोले मेरा घर है मैं खुद घूम फिर रही हूँ आपको क्या है, चेक करो इसके काम अभी। वो कहते हैं हर नजारा घूम फिर रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा वहाँ पे जो है हमारा सलन बन रहा है, यहाँ पे जो है आटा गुनाई हो रहा है। अभी मैंने चेक किया थोड़ी सी देर है बस करने वाला है। अच्छा हाँ। फुल गल जाए फिर निकालना ठीक है। हाँ जी पहले नहीं वो पानी मैंने और भी थोड़ा सा ऐड किया था उसका, कद्दू शरीफ का अपना भी पानी निकलता है। हाँ। वैसे मैंने भी एक गिलास पानी का ऐड किया वो भी सूख गया, अभी जना अच्छा खासा बने हुआ है। अच्छा ढकना उतार के जब देखोगे तब पता। अच्छा ये देखो दोबारा से कुहाड़ी ले मारनी है क्या, गुस्से हुई हुई हो आप, पता नहीं क्या वजह है आपसे। नहीं हाँ तंदूर जलाना है आपने जी। अच्छा चलो जाओ फिर ले जाओ कुल्हाड़ी फिर जी, मैंने कहा मुझे मारनी है आटा जो है तंदूर लेके जा रही लकड़ी है बढ़िया सरी हुई थी। हाँ हाँ तो इसलिए उसने कहा कुछ छोटी करके तंदूर में डाल दो तो इसलिए कुल्हाड़ी लेके जा रही है। अच्छा यहाँ पे देखें जी लकड़ियाँ जो है कटाई शुरू हो गई, काट दूँ मैं काट दूँ आपको काट दो। अच्छा रख दो मैं काट देता हूँ, रख दो इनको मैं जो है आपको काट के देता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं जी। चलें कोई और काम कर लो मैं आपको काट देता हूँ, आप अपने पाँव पे ना लगा दो जी। कहाँ जा रहे हो नमाज पढ़ने, हाथ मुँह धो लिया है जी। अभी तो टाइम रहता है, पहले हाथ मुँह धो लिया आपने जी। आपने कहा पहले काम हो जाए, और यहाँ पे जो है लकड़ियाँ वगैरह मैंने काट दिए हैं, अम्मी गोहे वगैरह कखड़े वगैरह ले आई है, तो इधर जो है तंदूर जला रही हूँ, अभी तो आटा गूंद रहा है अभी थोड़ी देर है भी टाइम लगेगा। हाँ जलने का तो टाइम लगेगा ना। अच्छा हाँ। चलो आपकी मर्जी, मोटी लकड़ियाँ इसलिए हाँ जी। चलो मैंने कहा आटा गूंद के रख देगी फिर जला देना, आटा भी सही इस तरीके से वो हो जाएगा। हाँ थोड़ी देर कर दो, वैसे काठियाँ रख दो फिर बाद में जो है थोड़ी देर बाद फिर जला देना जब आटा गुंदाई हो जाए। बाल्टी जमा और गाबे को पानी रखो। हाँ इसको पानी रखो, ये कमज़ोर होता जा रहा है पता नहीं क्या वजह है, अंदर बाद रहने नहीं इसलिए मट्टी खाता है और ये कपड़े खा ले कपड़े खाता है। अच्छा मारता भी है ओ कपड़े 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 कपड़ों पे पड़ जाता है ना। मशीन भी अंदर रख दो। हाँ जी गूंद लिया आटा, नमक डाल दिया है। हाँ। ओ मैंने सोचा नमक थोड़ा सा डाल दूँ, अच्छा खासा
अच्छा कल जना मैंने नमक नहीं ऐड किया था, जना आटा हमारा जना रोटी बाहर नहीं रहती। अच्छा मुझे भूल गया था, मैंने सोचा फिर मैंने कहा क्या मैंने आटा नहीं ऐड किया, जो जना आटा बाहर नहीं रहा रोटी को जना खराब निकल जाता था, फिर जना समझ में आई नमक नहीं डाला। अच्छा जना रोटी को जना खराब निकल जाता था, मैं जैसे बढ़ाती थी वो जना बस से निकल जाता था, रोटी हो जाती थी काफी ज्यादा। अच्छा तनूर चल रहा है, कुएं डाल दिया है, लकड़ी भी डाल दिया, अच्छी तरह जल रहा है। अच्छी तरीके जल रहा है जी। वाह जी, सही जल रहा है जी। और क्या डाला है इसमें, ककड़े भी डाले हैं? ककड़े भी डाले हैं। माशाल्लाह। चलें जी यहाँ पे देखें तंदूर जो है जल रहा है, रुपिया कह रही थी कि तंदूर जो है अच्छे तरीके से जल रहा है, लकड़ियाँ ककड़े गोहे सब डाल दिए हैं, अच्छे तरीके से जल जाए। आपकी भाभी ने आटा भी गूंद लिया है, सालन भी बना लिया है माशाल्लाह, बस आपके तंदूर की देर है, ये जल जाए उसके बाद जो है रोटी बनाते हैं जी। हाँ जी, आपके कपड़े सिलाई हो गए हैं जी? अच्छा दिखाए नहीं है आपने फिर? दिखाया है। नहीं दिखाया, प्यारे बहन भाई को दिखाया है कैसा सूट सिलवाई किया है? प्यारे बहन भाई को नहीं दिखाया, फिर आपको दिखाया। मुझे दिखाया था जी। फिर ले आओ दिखाए बहन भाई को जी। माशाल्लाह से कपड़े जाना हमारे ईद के सिलाई हो गए हैं, अक्सा की जाना हमने न्यू शॉपिंग की है, तो जाना इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि क्या शॉपिंग है, और अपने कपड़े जो सिलाई किए वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। ये जना अक्सा बेटी का सूट है, ये रुकिया के सूट से जना बच्चा है, ये जना मैंने सिलाई किया है माशाल्लाह। हाँ, और उसके बाद जना न्यू शॉपिंग जना ये है अक्सा बेटी की, ये जना जूता है ईद का उल्लू वाला लिया है। हाँ, और उसके बाद जना ये जना उसकी चूड़िया है, गोल्ड की चूड़िया ले ली अक्सा की जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, पहनेगी तो फिर और अच्छी लगेगी। हाँ, चप्पल भी बहुत हो रही थी जब लेके आए हैं, चप्पल भी आपने बहुत खूबसूरत ली है जी, है ना? हाँ, फुलू वाली ली है जी। माशाल्लाह सा आपकी है, है? और उसके बाद जो ये है अच्छा बेटे का सूट ईद के ले लिया है। ओ माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट ले लिया है। हाँ, क्या बात है, डिजाइन बने हुए हैं इसके सूट के ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे। ये देखो ये सलवार है इसकी। हाँ, नीले कलर की जी। अच्छा, ये सीप के साथ मिक्स है। हाँ जी। हाँ, और उसके बाद जो ना ये है दूसरा कमीज। वाह जी वाह, कॉटन के लिए है क्योंकि ये फिर गर्मियाँ आ रही है ऊपर से, ये कॉटन का नहीं है, कॉटन है ये दूसरा कपड़ा है, वो जो रेशमी मैं बोल रहा हूँ काटन का है। अच्छा। ये लिया भी काटन की है, दूसरा कपड़ा कौन सा रेशमी है? हाँ। नहीं काटन है, अभी लग रहा है लेकिन है काटन। और ये इसकी सलवार का डिजाइन करो, ऐसे आप बना लोगी? हाँ तो ये सूखा है, है? हाँ बना लेंगे। और ये किसके है? और ये जो है ना अक्सा की शॉपिंग ना ये थी न्यू, जो है ना हमने ईद के लिए किया है क्योंकि अक्सा के पहले जो है दो सूट लिए थे, वो जो है अक्सा ने पहना था वो जो है अच्छे नहीं थे, पुराने हो गए थे, तो इसलिए जो है अभी और लिए हैं अक्सा के। ये अब्दुल गफूर अब्बू का सूट है ये? हाँ। वाह जी वाह, ये जी अब्बू का सूट है, सिलाई होकर आ गया है ये, अभी इस्त्री खराब हो जाएगी फिर पहनेगा अब्बू जी, पहन के दिखाएंगे। हाँ जी, कैसा लगता है? और ये दिखाओ ये किसका है, ये अपना सूट ले आई है? हाँ, मैंने रुपिया को कहा कि अपना सूट दिखाओ, ये तो दुपट्टा है, आपने कैसे सिलाई किया है? और ये है कमीज रुपिया का, माशाल्लाह बहुत प्यारा, आपने सिलाई किया है जी, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद जो ना ये है सलवार, सलवार का डिजाइन भी बनाया है पांचों का, ये सादा सा डिजाइन बनाया क्योंकि कपड़ा जो ना कम था इसके सूट का, काफी ज्यादा
वो शमीज का कपड़ा भी जो नीचे फिर बताते जिसे ले आए थे फिर उससे उसको बोलते भी रुपया का सूट जो है बहुत कम है उसका और कपड़ा दो जी। वैसे पूरा सारा सूट था हमने कटाई किया, ये जो ना इसके बाजू छोटे हो रहे थे फिर जो न्यानी होती है ना वो यहाँ पे डाला है। अच्छा हाँ। और ये जो है ना अम्मी जान का सूट है। वाह जी वाह जबरदस्त। आपने भी सिलाई करवा लिया है जी। चलो ठीक है अच्छी बात है क्योंकि ईद के बाकी काल का रोजा है तो परसों ईद है तो मशहूर से ये थे हमारे ईद के कपड़े जो है ना हमने शेयर कर दिए और सिलाई किए थे और अक्सर की शॉपिंग भी ऐसा ने भी सिलाई किया था वो पिछले वीडियो में जो है दिखाया था ऐसा जी। मैंने कहा दोबारा दोबारा दिखाना अच्छा नहीं लगता। हाँ जी इसलिए जरा मैंने अपना फोन देना दोबारा नहीं दिखाया। चलें जी यहाँ पे वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।